नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। चीन को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी, लेकिन बावजूद इसके सियासत थम नहीं रही है। बड़ी खबर जो अभी आ रही, बता दें राहुल गांधी ने लगातार हमले किए हैं और आज फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके राहुल गांधी के इन हमलों पर जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि जब पूरा देश एकजुट खड़ा दिख रहा है तो फिर ओछी राजनीति से बचना चाहिए, देशहित के साथ खड़े दिखना चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या स्टैंड अप सरकार का, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक है सरकार के रवैये को लेकर भी। देखिए बिल्कुल, विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है चाइना को लेकर। जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है उसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था और आज एक जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके बेटे ने बयान दिया है, उनके पिता ने बयान दिया है कि भारत चीन को हरा सकता है और राहुल गांधी राजनीति ना करें। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि देखिए एक बहादुर सैनिक जो शहीद हो गया उसके पिता जब ये कह रहे हैं कि हम चीन को हरा सकते हैं तो ऐसे समय में हमको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे समय पे हमको ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए, संदेश ये जाना चाहिए कि पूरा देश एकजुट है। और ये कहकर शायद गृह मंत्री का सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी पे ही था और उन्हें राहुल गांधी को कोट करते हुए ये कह दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं चाइना को लेकर, लगातार कल सोनिया गांधी ने भी जो है वो सवाल उठाए थे सर्वदलीय बैठक के अंदर और प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया था। ये लग रहा था कि शायद अब विपक्ष सवाल ना उठाए, लेकिन अब जिस तरीके से सवालों का सिलसिला चल रहा था अब उसके ऊपर जवाब देना शुरू कर दिया है सरकार की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें हमने देखा था किस तरीके से सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाए थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया था। कहा था कि सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और सीमा की सुरक्षा के लिए सेना हर पल अलर्ट है। बावजूद इसके आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं जिसको लेकर अमित शाह ने ट्वीट करके इसका जवाब भी दिया है। तो गृहमंत्री ने अपने ट्वीट में एक शहीद के पिता का जिक्र किया है। शहीद के पिता ने कहा है कि राहुल गांधी शहादत पर सियासत ना करें। सुनिए शहीद के पिता ने क्या कहा। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी आप नेता गरीब मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छहरा लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, शेर लड़ेगा, ठीक हो गए भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सेना के शौर्य और उसकी ताकत का बखान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि देश की सेना पहले से ज्यादा सशक्त, पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। जवानों की जांबाजी की वजह से ही न तो हमारी पोस्ट पर किसी का कब्जा है और न ही हमारी सीमा में कोई घुस आया है। सर्वदलीय बैठक के बाद सबकी निगाह इस बात पर अड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे और बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भरोसा उन जाबाजों की वजह से है जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेद सुर में कहा कि भारत की सेना एक्शन और काउंटर एक्शन के लिए तैयार है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। मतलब ये कि जब तक इस देश के जवान सरहद पर निगहबानी कर रहे हैं तब तक देश पर आंच नहीं आने वाली। पीएम ने माना कि गुजरे हुए समय में सेना को पहले से ज्यादा सशक्त और पहले से ज्यादा सुरक्षित किया गया है। आज भारत की सेनाएं
हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। पीएम मोदी ने माना कि पहले लद्दाख की सीमा पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन ये बदला हुआ भारत है। यहाँ के सैनिक अब सीमा में घुसने वाले को रोकते भी हैं और टोकते भी हैं। पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। तो पीएम के कहने का लबोलुआब ये था कि भारतीय सेना लगातार शौर्य की पटकथा लिख रही है। भारतीय सेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रही है। सेना के जवानों से ही है भारत का अभिमान। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सर्वदलीय बैठक में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार से कई सवाल किए। सोनिया गांधी काफी आक्रामक नजर आई, हालांकि सबने एक सुर में कहा कि वो चीन की रणनीति को लेकर सरकार के साथ हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन को ये चेतावनी है कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चीन का नाम लेते हुए भारत का रुख साफ कर दिया। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को गलवान में सेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर न समझे। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर मजबूत भी है और सशक्त भी। भारत अपनी ओर उठने वाली हर आंख और हाथ को जवाब देने में आज सक्षम भी है। सर्वदलीय बैठक में करीब 17 पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें सोनिया गांधी काफी आक्रामक मोड में आईं। सोनिया ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। सोनिया ने पूछा, चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? क्या सरकार स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे पहले भी सोनिया ने चीन के घुसपैठ को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? सोनिया के सरकार पर निशाना साधने पर शरद पवार मोदी सरकार के बचाव में दिखे। सोनिया के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष ने संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की नसीहत दी। चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर पहले की तरह सवाल उठाकर उनको और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी। उधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि चीन के मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उद्धव ठाकरे चीन की इस हरकत से काफी उग्र नजर आए। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने भी इस मौके पर एकजुट रहने की बात कही। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। सवाल जवाब के बीच सारी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ सारे दल एक साथ हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एलएसी पर चीन की चालाकियां बढ़ गई हैं तो एलओसी पर चीन का दोस्त पाकिस्तान भी नित नई साजिशें रच रहा है। चीन और पाकिस्तान की ये मिलीजुली कदमताल इशारा कर रही है कि दोनों सरहदों पर कुछ ना कुछ पक रहा है। चीन से सटी जिस सरहद पर चंद रोज पहले भारत और चीन के सैनिकों की खूंखार भिड़ंत हुई थी, वहां का आसमान भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंज उठा। संदेश साफ है कि भारत 1962 वाली गलती हर बार दोहराने की गलती नहीं करेगा। चीनी फौज कोई हिमाकत करने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खुद एयरफोर्स चीफ भदौरिया भी शुक्रवार को श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच गए और वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नुब्रा वैली की ओर जाते हुए सियाचिन को लें तो वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक अगर तैनात होते हैं तो उससे कई हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे वायुसेना और साथ ही आर्मी एविएशन के पायलट्स को भी उड़ान भरने का अनुभव है। ऐसा अनुभव इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की चोटियां हैं और किसी भी देश के पायलट्स को नहीं है। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। जानकारी ये भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने Sukhoi-30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे एलएसी के आसपास 3-4 जगह लिया है, उसको वो समझें कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। पूर्वी सरहद पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखनी है तो पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान भी अपने दोस्त के इशारे पर उछल कूद कर रहा है। एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर घाटी में आतंकी भी तेजी से हरकत में आ रहे हैं। ये और बात है कि सेना उन्हें दोजख भेजने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि पूरब और पश्चिम पर हो रही ये हलचल अलग अलग नहीं बल्कि मिलीजुली कदम ताल है। I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. चीन और पाकिस्तान साजिश के इस रेसिपी की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती है और भारतीय फौजें दुश्मनों की किसी भी दावत के रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत पर पूरे लेह और लद्दाख में गुस्से की लहर है। लद्दाख के सांसद जामयांग नाग्याल का कहना है कि ये सही मौका है जब भारत को चीन के कब्जे वाले हिस्से को लौटाने पर जोर देना चाहिए। जामयांग नाग्याल से बातचीत की हमारे सहयोगी श्वेता सिंह ने। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने चीन को खुली चुनौती दे दी है। चीन से साफ साफ कह दिया है कि उसने भले ही तिब्बत को हड़प लिया, लेकिन भारत की जमीन का एक एक इंच उसे वापस करना होगा। लद्दाख के सांसद ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि अक्साई चीन उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और वो उसका दौरा करने वाले हैं। ये बात दुनिया जानते है, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है, तो इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है, तो अक्साई चीन के नेक्स्ट में तो तिब्बत आता है। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने साफ किया कि चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत को लगाम लगाना होगा। 1962 के बाद इंच इंच भारत में घुसने वाला चीन गलवान घाटी में की गई अपनी हरकत से तमाम हदों को पार कर चुका है। ऐसे में अब भारत के पास यही रास्ता है कि वो चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे। आप देख पाएंगे अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा? आज के देश के सरकार के आप मनोबल देखिए, और आप लद्दाख में है ही है, यहाँ आपने अलग अलग लोगों से भी इंटरव्यू किया होगा, मिले होंगे, यहाँ के लोगों के मनोबल देखिए, यहाँ के लोगों के देश प्रेम देखिए, मनोबल देखिए, किसी को भी आप मार्केट से उठा के उसको इंटरव्यू कीजिए। लद्दाख के सांसद को विश्वास है अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा वापस हो जाएगा? होना भी चाहिए। अगर मैं ये भी कहता हूँ, अगर ये आसानी से नहीं होता अगर नहीं होना होता, तो ये जो है जिस तरह चाइना जो है पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम किसी देश के भूभाग छीनने के तो बात नहीं कर रहे, हम अपना हिस्सा जो है वापस लेने के बात करना चाहिए। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया। नामग्याल संसद में चीन की विस्तारवादी नीति के आगे पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये का मामला उठा चुके हैं। उनके मुताबिक दशकों पुरानी हुई गलतियों को अब दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। चीन को बाहर निकालने के लिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया है? किसने दिया है ना? किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया? अक्साई, व्हाट डस अक्साई मीन? अक्साई का क्या मतलब है? और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला? तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं? ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। लद्दाख में चीन की हिमाकत को लेकर भारी गुस्सा है। चीन को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है, लेकिन चीन को सबसे बड़ा झटका यही होगा कि अब तक उसने जितनी भी जमीन हड़पी है, उसकी वापसी के लिए भारत अपना दबाव बढ़ा दे। वैसे भी भारत ने पीओके ही नहीं, अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्युपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। इस लिहाज से ही लद्दाख के सांसद नामग्याल को उम्मीद है कि भारत चीन के कब्जे से अपनी जमीन हासिल कर सकता है। चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे आप कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ, किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूँ, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूँ। चीन की फितरत को दुनिया भी अच्छी तरह समझ चुकी है। कहीं पैसा तो कहीं ताकत दिखाकर चीन छोटे छोटे देशों को अपने सामने झुकाता रहा है।
लेकिन वो भूल गया कि ये हिंदुस्तान है जिसका सर न झुका है न झुकेगा। यही वजह है कि भारत ने इस बार चीन के भारी विरोध के बावजूद सड़कों के निर्माण को नहीं रोका। एग्जैक्ट फ्रंट लाइन पे जहां पे हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां तक सड़क बिछाना, ब्रिजेस बनना और ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बनाना, बंकर बनाना, एक वो। और सेकंड थिंग जो है अलोंग विद LAC बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं सिविलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कैटेगराइज करता हूँ। और दोनों चीज में और खासकर फ्रंट लाइन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अभी जो है फार बेटर है पहले से, फार बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आज बड़े स्पीड में। डर नहीं है, दबाव नहीं है, कर रहे हैं हम काम, बिल्कुल ही डर नहीं है। दूसरी तरफ चीन को यह चिंता खाई जा रही है कि अगर भारत ने गलवान घाटी में बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया तो वो एक तरफ अक्साई चीन पर दबाव बना सकता है और दूसरी तरफ CPEC के तहत कशगर से बनने वाली सड़क पर नजर रख सकता है। CPEC की जहां तक बात है तो चीन के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली सड़क POK से होकर गुजरती है। अगर हिंदुस्तान की फौज गलवान की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रहेगी तो वो जब चाहे इस हाईवे को निशाना बना सकती है। इस वजह से ही भारत बुनियादी ढांचा खड़ा करता जा रहा है। दूसरी तरफ चीन की बौखलाहट बढ़ रही है लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी टक्कर 2020 के भारत से है। लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।